नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 है उसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग विद एमसीक्यू। फर्स्ट एमसीक्यू जो आपका द वुड ऑफ व्हिच ए वुडन चेयर इज मेड। वुड बच्चों आपकी है, जिससे आपकी वुडन चेयर बनी होती है वो क्या होती है बच्चों आपकी, इज लिविंग, इज नॉन लिविंग, was once living but is now dead। तो सी ऑप्शन आएगा बच्चों इसका। कभी ना कभी क्या थी बच्चों, वो आपकी लिविंग थी और आज क्या हो चुकी बच्चों आपकी, वो डेड हो चुकी है। नेक्स्ट बच्चों आपका which of these do are all religion have, इनमें से बच्चों क्या है जो सभी को रिलीजन के अंदर होता है, bones, cells, muscles, skin, सभी के अंदर बच्चों bones presented नहीं हो सकती है। तो बच्चों cells है, जितने भी ऑर्गेनिज्म आपके सेल से मिलकर बने होते हैं तो सभी के अंदर बच्चों आपकी सेल्स प्रेजेंट होंगी। थर्ड, व्हिच ऑफ दिस इज नॉट प्रोडक्ट ऑफ एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन से क्या होगा बच्चों, जो आपकी बॉडी का वेस्ट होता है वो बाहर निकलता है, तो इसमें से बच्चों कौन सा आपका एक्सक्रीशन का प्रोडक्ट नहीं है, स्वेट, एनर्जी, यूरिन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो एनर्जी बच्चों आपका एक्सक्रीशन का प्रोडक्ट नहीं। During which process is energy released? तो बच्चों एनर्जी कब रिलीज होती है आपकी, रेस्पिरेशन के द्वारा। फिर ए फिश ब्रेथ, फिश किसके साथ लगे बच्चों आपकी गिल्स से, तो फिफ्थ ऑप्शन क्या हो जाता। नेक्स्ट हो जाता ट्रू एंड फॉल्स। प्लांट्स एंड
नेक्स्ट होता है आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है आपका? अमीबा। फोटोसिंथेसिस का मुख्य उपयोग ट्रांसलेटर। अब उसके लिए बच्चों कौन रिस्पॉन्सिबल होगा आपका? क्लोरोफिल। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से बच्चे आपके? यूनिट्री। तो बच्चों ये थी आपकी एक्सरसाइज, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों आपके वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका, हाउ आर प्लांट्स सुपीरियर टू एनिमल्स? प्लांट्स बच्चों एनिमल्स से कैसे सुपीरियर हैं? Plants are superior to animals because they can make their food on. वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, इसलिए क्या बच्चों वो superior है। Which instrument is used to see a cell? किस instrument का use किया बच्चों cell के देखने के लिए? Microscope का। इसका use किया बच्चों microscope का। At what age do humans stop growing? Human की बेटा बहुत तीसरे जब तक है, at the age of 18 साल का होते बेटा तो उसकी growth है रुक जाती है। नेक्स्ट है बच्चों का, व्हाट इज मास, व्हाट इज वॉल्यूम एंड व्हाट इज डेंसिटी? वॉल्यूम क्या होता है बच्चों का? द अमाउंट ऑफ स्पेस एन ऑब्जेक्ट टेक प्लेस इज इट्स कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। उसके अंदर बेटा कितनी वो जगह लेता है वो क्या होगा बच्चों उसका वॉल्यूम। और मास क्या होगा बच्चे? द मैटर इनसाइड ए टोटल मैटर वेट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड इट्स मास, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्या है बच्चों आपका? डेंसिटी। डेंसिटी क्या होगी बच्चों आपकी? एन ऑब्जेक्ट मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा बच्चों? उसकी डेंसिटी होगी, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों इसका सेकंड पार्ट, हाउ आर प्लांट्स एंड एनिमल डिफरेंट इन न्यूट्रिशन? प्लांट का न्यूट्रिशन कैसा होता है बच्चों आपका? ऑटोट्रॉफिक। और एनिमल का कैसा होता है बच्चों आपका? हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। How are plant and animal different in locomotion? Locomotion क्या होता है बच्चों? चलने के लिए movement। Plant के अंदर बेटा movement नहीं होती है, और animal के अंदर क्या होती है बच्चों? Movement नहीं होती है। Animal आप can move from one place to another, but plant are fixed to any one place. Describe animal difference between living or non-living. Living or non-living के अंदर बच्चे वैसे बहुत सारे difference हैं। जैसे बच्चों living things grow कर सकती हैं, non-living things grow नहीं कर सकती हैं। Living things को खाने की जरूरत होगी, non-living things को खाने की जरूरत नहीं होगी। लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस कर सकती है, नॉन लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती है। लिविंग थिंग आपके ब्रेथ कर सकती है और नॉन लिविंग थिंग ब्रेथ नहीं कर सकती। नेक्स्ट है बच्चों, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट? मास एंड वेट क्या होगा बच्चों? मास को क्या होगा बच्चों? आपका फिक्स रहेगा। आप जो एक से दूसरे कहीं भी चले जाओ मास क्या रहेगा बच्चों? आपका फिक्स रहेगा। लेकिन वेट क्या होता है बच्चों? वो फोर्स होती है जिसके द्वारा हार्ट हमारी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो वेट क्या हो सकता है बच्चों? आपका चेंज हो सकता है। What do you mean by volume and what unit is it expressed? Volume क्या होगा बच्चों आपका? The amount of space an object takes place. वो जगह बच्चे जी कोई object आपका occupy करता है, उसको क्या बोलते हैं? बोलते हैं बच्चे volume बोलते हैं। Unit क्या होगी बच्चे? उसकी unit होगी। Next बच्चों आपका common feature जो living और non living के बीच में होता है। Common feature क्या होगा बच्चों? Living और non living के बीच में both are occupy space। दोनों क्या करते हैं बेटा? जगह लेते हैं, दोनों small small objects से मिलके बने होते हैं, ठीक है। तो कॉमन फीचर क्या होगा बच्चों? बोथ ऑक्यूपाई विद स्पेस। एक्सप्लेन इन एग्जांपल व्हाट इज मीन बाय लिविंग थिंग्स स्पॉन टू स्टिमुली। स्टिमुली क्या होगा बच्चों? यदि हमारे आसपास कोई चीज आता है तो उसके अनुसार क्या होगा बच्चों? लिविंग थिंग क्या करते हैं? रिस्पॉन्स शो करते हैं। जैसे बच्चों एग्जांपल क्या आ गए? सनफ्लावर बच्चों। तो सनफ्लावर बच्चों अपने डायरेक्शन क्या करता है? वो रोटेट कर लेता है जिस डायरेक्शन में बच्चों आपका सन होता है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, हाउ डू लिविंग थिंग्स ग्रो? लिविंग थिंग्स ग्रो कैसे करते हैं बच्चों? जैसे लिविंग थिंग्स स्मॉल प्लांट जाता, प्लांट से क्या होता है पूरा एक छोटा सीड है, सीड से वो पूरा एक प्लांट बन सकता है। जैसे छोटा वेपर था बच्चों, समय के साथ धीरे धीरे क्या होता है बच्चों? उसका साइज इंक्रीज हो देता है, हो सकता है। सम नॉन लिविंग थिंग्स आल्सो ग्रो। उस नॉन लिविंग थिंग बच्चों क्या ग्रो करते हैं? एग्जाम्पल क्या होगा बच्चों इसका? फ्लावर। तो बेटा इसको कौन सी नॉन लिविंग थिंग दो ग्रो करती है? क्या बच्चों आपका? क्लाउड है। जैसे जैसे इसके आसपास पार्टिकल इकट्ठे होते जाएंगे बेटा इसका साइज क्या है? बड़ा होता रहेगा, ठीक है। इसका साइज क्या होगा बच्चों का? बड़ा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे रेन होगी बच्चों,
रेन होने के बाद सब साइज क्या होता है उसका लेस हो जाएगा, साइज क्या होता है उसका लेस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फोर बेसिक प्रोविजन कैरी आउट एक्सचेंज ऑफ गैसेस फॉर रेस्पिरेशन। क्या रेस्पिरेशन क्या हो जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसी चार एनिमल के अंदर होता है, बच्चों जैसे मैं फिश होगी तो आपकी फिश किससे ब्रेथ करती है, आपकी विंड से। आर्थ्रोपोड तो किससे ब्रेथ करता है आपका, कॉकरोच से। अनुग्रह करता है आपका स्किन से, कॉकरोच करता है आपका स्मॉल ओपनिंग होती है उसके ऊपर, फ्लो करता है आपका स्किन एंड लंग्स से। ह्यूमन बींग किससे ब्रेथ करता है आपका, लंग्स। ठीक है बच्चों, तो ये रहा बच्चों आपका जिस तरीके से आपके एनिमल ब्रेथ करते हैं। तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन से पूरा होता है, यहाँ पर कोई डाउट आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 है उसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, स्टार्टिंग विद एमसीक्यू। फर्स्ट एमसीक्यू होता है आपका द वुड ऑफ विच ए वुडन चेयर इज मेड। वुड बच्चों आपकी है जिससे आपकी वुडन चेयर बनी होती है वो क्या होती है बच्चों आपकी, इज लिविंग इज नॉन लिविंग वाज वंस लिविंग बट इज नाउ डेड। तो सी ऑप्शन आएगा बच्चों इसका, कभी ना कभी क्या थी बच्चों वो आपकी लिविंग थी और आज क्या हो चुकी बच्चों आपकी वो डेड हो चुकी है। नेक्स्ट बच्चों आपका विच ऑफ दिस डू आर ऑर्गेनिज्म हाउ, इनमें से बच्चों क्या है जो सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, बोन्स सेल्स मसल्स स्किन। सभी के अंदर बच्चों बोन्स प्रेजेंट नहीं हो सकती है, तो बच्चों सेल्स है जितने भी ऑर्गेनिज्म आपके सेल्स से मिलकर बने होते हैं तो सभी के अंदर बच्चों आपकी सेल्स प्रेजेंट होंगी। थर्ड, which of these is not product of excretion, excretion से क्या होगा बच्चों जो आपकी बॉडी का वेस्ट होता है वो बाहर निकलता है, तो इसमें से बच्चों कौन सा आपका excretion का product नहीं है, sweat, energy, urine and carbon dioxide। तो energy बच्चों आपका excretion का product नहीं है। क्वेश्चन फोर, during which process is energy released, तो बच्चों energy कब release होती है आपकी respiration के द्वारा। फिफ्थ, ए फिश ब्रेथ थ्रू, फिश किसके साथ लगी बच्चों आपकी गिल्स से, तो फिफ्थ ऑप्शन क्या हो जाता। नेक्स्ट हो जाता ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स का फर्स्ट, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल, सभी लिविंग थिंग हो जाते हैं सेल से मिलकर बनी होती हैं, तो फर्स्ट क्या हो जाता ट्रू है। सेकंड, प्लांट्स आर सेल्फ सफिशिएंट इन फूड, प्लांट बेटा का खाना कौन बना लेते हैं तो वो क्या बच्चों आपके सेल्फ सफिशिएंट है, तो सेकंड इज आल्सो ट्रू। थर्ड, ए स्टिमुलस प्रोड्यूस ए रिस्पांस, स्टिमुलस बच्चों रिस्पांस प्रोड्यूस करता है, जैसे बच्चों कोई चेंज होगी तो कुछ ना कुछ रिस्पांस प्रोड्यूस करेगा, तो थर्ड इज आल्सो ट्रू। फोर, एनिमल बेटा कितने साल तक रहता है, 57 इयर्स तक अलाइव रहता है। ठीक है, एनर्जी
For all living things are made of wood, tiny units called cells. जितने भी living things हैं मतलब कि छोटी छोटी units ही मिलती हैं, तो क्या बोलते हैं बच्चों में cells बोलते हैं. Chloroplast and cell wall are found in plant cells. प्राणिती को जो आपको वो plant cell के अंदर मिलती है. Next है बच्चों का next. बने होते हैं, ठीक है? तो
common feature क्या होगा बच्चों? Both occupy the space. Explain the example. What is meant by living in small stimuli? Stimuli क्या होगा बच्चों? यदि हमारे आसपास कोई चीज आता है, तो उसके अनुसार क्या होगा बच्चों? Living thing क्या करते हैं? Response show करते हैं. जैसे बच्चों example क्या आ रही? Sunflower बच्चों. तो sunflower बच्चों अपने direction क्या करता है? Rotate कर लेता है. जिस direction में बच्चों आपका sun होता है, ठीक है? Next बच्चों. How do living things grow? Living things grow कैसे करते हैं बच्चों? जैसे living things small plant जाता, plant से क्या होता है? पूरा एक छोटा seed है, seed से पूरा एक plant तक पहुंच सकता है. जैसे छोटा भी पेड़ तब उसमें कुछ साल धीरे-धीरे क्या होता है बच्चों? जो उसका size increase हो जाता है, हो सकता है. Some small living things also grow. उस small living things बच्चों क्या grow करते हैं? Example क्या होगा बच्चों इसका? Cloud. तो बेटा इसको कौन सी small living things जो grow करती है? क्या बच्चों आपका cloud है? जैसे जैसे इसके आसपास पार्टिकल इकट्ठे होते जाएंगे बेटा इसका साइज क्या है बड़ा होता रहेगा, ठीक है? इसका साइज क्या होगा बच्चों का? बड़ा हो जाएगा, ठीक है? लेकिन जैसे रेन होगी बच्चों, रेन होने के बाद इसका साइज क्या होगा बच्चों? इसका लेस हो जाएगा. साइज क्या होगा बच्चों? इसका लेस हो जाएगा, ठीक है? दिस फोर बेसिक प्रोविजन कैरी आउट एक्सचेंज ऑफ गैसेस फॉर रेस्पिरेशन. क्या रेस्पिरेशन क्या होगा जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसी चार एनिमल के अंदर बताना बच्चों? जैसे मैं फिश होगी बच्चों आपकी, फिश किससे ब्रेथ करती है बच्चों आपकी? ब्रीथ से. आर्थ्रोपोड बच्चों किससे ब्रेथ करता है आपका? कॉकरोच से. वो ब्रेथ करता है बच्चों आपका स्किन से. कॉकरोच करता है बच्चों आपका स्मॉल ऑर्गेनिज्म होती है बच्चों इसके ऊपर. फ्लो करता है बच्चों आपका स्किन एंड लंग्स से. ह्यूमन बीइंग बच्चे किससे ब्रेथ करता है आपका? लंग्स, ठीक है बच्चों? तो ये रहा बच्चों आपका जिस तरीके से आपके एनिमल ब्रेथ करते हैं. तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन पूरा हो चुका है. यहाँ तक के लिए बताऊंगा आपको.